हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पूर्वाज कैफे क्लैश। गणेश उत्सव चल रहा है और ये त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग अपने घरों के अंदर बप्पा को लेकर आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं और इस समय में काफ़ी फ्रेंड्स और फैमिली भी मिलने के लिए आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक्ट्रेस मोनिका खन्ना के घर पर और उनके बप्पा के दर्शन करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो मोनजा दी, हाय। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। यस बप्पा, हाँ अभी ठीक है। यस यू लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। सो बप्पा इज हियर, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। अच्छा है सब, बहुत ही प्यारे और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं पापा यहाँ पर। वो तो है, वो तो हर साल आपके घर पे एंजॉय ही करते हैं, वो तो वेकेशन के लिए आते हैं यहाँ पे। हाउ आई नो, आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ मैं। इस मतलब हर साल आप बापा की कोई थीम रखते हो, तो इस साल भी कोई सी थीम है? ब्यूटीफुल। There's a theme, bright and green. Last time COVID था, 2020 था, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाई थी, बट इस टाइम थोड़ा कम किया है, बट थोड़ा मतलब ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन रखा है। इस साल का जो गणेश उत्सव है वो हर साल या लास्ट ईयर के गणेश उत्सव से कैसे अलग है? लास्ट ईयर 2020 इतना ज्यादा अनफॉर्चुनेट अनसर्टन था कि बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे, सब ऑनलाइन दर्शन कर रहे थे, बट दिस टाइम माई फ्रेंड्स हैव कम ओवर एंड बहुत अच्छा लगा सबको यहाँ पर आकर, क्योंकि वापस से मुंबई बैक ऑन ट्रैक हो रही है, तो एवरीबडी इज लाइक चलो आके दर्शन करने का, सबके साथ बैठ के मिल के बातें करने का एक मौका मिलता है जो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था। सो सब आ रहे हैं, सब अच्छे से दर्शन करने आ रहे हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिल रहा है। सो या 2020 से तो मच मच बेटर है। यस एब्सोल्युटली। एंड इतने टाइम बाद सबसे मिलना भी बहुत खुशी वाली चीज हो ही जाती है। यस मुझे आप ये बताओ कि एज फर आई नो यू डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट एंड ऑल, तो आप क्या लेते हो, क्या लोगों से बोलते हो, क्या मैसेज देते हो? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अपनी अपनी श्रद्धा है बप्पा के लिए, अगर वो आते हैं तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए ऐसा बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि फ्लावर्स और ये सब लाने से अच्छा है गेट सम स्टेशनरी, बच्चों के लिए बुक्स लेकर आ सकते हैं, कलर्स लेकर आ सकते हैं, पेंसिल बॉक्स, एनीथिंग दैट दे वांट, और फिर जब वो इकट्ठी हो जाती है देन उसको हम लोग साथ में इक्वल करके उन बच्चों को दे सकते हैं जो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। सो आप पापा के लिए कुछ भी ला सकते हैं, ये एक मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये आएगा तो ये उन बच्चों को जाएगा जो नीडी है, अदरवाइज तो जिनको जो लाना है वो वही लेकर आते हैं। सही बात है बिल्कुल। और ये आपका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ब्रिंग स्टेशनरीज एंड देन यू गिव इट टू दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ देम। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे आइडिया लगता है पर्सनली आपका। प्लीज तुम भी अब जल्दी से उसको एग्जीक्यूट करो, सिर्फ आई बोलने से नहीं, हैव टू सारे कम लेकर एंड आओ मीट यू। और डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द किड्स। यस बट आई हैव टू कम एंड मीट यू सबसे पहले तो। एनी टाइम यू कैन कम, एनी टाइम टू माय प्लेस। यस आई नो दैट। आपने बताया कि बहुत सारे लोग इस बार मिलने आ रहे हैं, तो कौन कौन आकर मिलकर चले गया है अभी तक सेलिब्रिटी और टीवी की दुनिया से आपसे? एक्चुअली मैं रोज कंटिन्यू शूट कर रही हूँ तो मैं शाम को ही मिल पाती हूँ सबको, और हर किसी के लिए शाम को आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अभी भी 2 दिन बाकी हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स टू कम ओवर, बट मेरे डायरेक्टर सर, अभी मेरे डायरेक्टर आने वाले हैं जो मैं थपकी जब कर रही थी तो वो डायरेक्टर थे वैभव सर, और राजीव सर आकर गए हैं जो मेरे प्रेम बंधन के डायरेक्टर थे, और बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली हैं जो टीवी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और वो आ रहे हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले लास्ट 2 दिनों में शायद वो लोग आ जाए, मैनेज कर ले, क्योंकि हर किसी के घर पे गणपति रहता है, सबके घर जाना होता है, सो आई थिंक वो लोग पहले 3 दिन के 5 दिन के इन सबके करके फिर मेरे घर पे आएंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल और परसों मोस्टली सभी आ जाएंगे। तो आपने टोटल कितने दिन के गणपति रखे हैं?
7 days. 7 days एंड मतलब आप हर साल ही 7 days से गणपति रखते हैं? यस एवरी ईयर. वाओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा. हाउ डिफिकल्ट इज इट और इज इट इजी? कि पापा की ब्लेसिंग से तो इजी हो ही जाता होगा, बट टू मैनेज शूट एंड यू नो गेस्ट एंड एवरीबडी और स्पेशली पापा के टाइम पे डिफिकल्ट होता है ये? ऑफकोर्स, मत क्या होता है ना कि जितना डिफिकल्ट होता है तो उतना पप्पा शक्ति भी दे देते हैं. पहले जब मैं इश्क सुभानअल्लाह कर रही थी तो मेरा सेट जो था काफी पास में था, तो मैं बीच बीच में आ जाती थी, दैट वाज इजी. अभी थोड़ा दूर शूट कर रही हूँ बट समहाउ मैनेज हो जाता है. आपकी बस श्रद्धा होनी चाहिए उनको लाने की, बाकी वो खुद ब खुद सब करवा देते हैं. सही बात है. इस साल आपने बप्पा से क्या विश मांगी है? नथिंग, आई जस्ट से थैंक यू टू हिम. I showed my gratitude to him. Whatever he has done, whatever you know he's giving me, it's beyond my imagination. And I'm really really happy right now. So बस thank you बोलती हूँ और हर चीज का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आज मेरे पास है. सो ग्रेटफुल एंड सच अ ब्यूटिफुल थॉट. अच्छा, कोविड इतना फैल गया था लास्ट ईयर और मतलब बहुत ज्यादा ही एनवायरनमेंट को हार्म हुआ है, तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या स्टेप्स उठाए हैं आपने इस बार गणपति के लिए? एज यू सी, मैंने बहुत ज्यादा कोई डेकोरेशन नहीं की है, ये सारी आर्टिफिशियल चीजें हैं. तो मैंने ऐसा कुछ यू नो रियल से, अगर फूल बप्पा पे जो हम लोग को चढ़ाते हैं तो वही है. बाकी सब बप्पा की जो प्रतिमा है वो इको फ्रेंडली है. हम लोग जो विसर्जन करने वाले हैं वो घर के बाहर ही करने वाले हैं. सो देर इज नो, ऐसा नहीं है कि हम लोग पीओपी के बप्पा लेकर आए जिनको जो हमारे हमारे यू नो एनवायरमेंट को खराब हो, जो उसका मतलब यू नो हाउ यू नो अगले दिन कैसे मूर्तियां बाहर आ जाती हैं और हमारा जो मरीन लाइफ होता है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है. इको फ्रेंडली प्रतिमा है. एंड आई थिंक अभी तो आफ्टर कोविड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लेसन मिल गए हैं और वो सब इको फ्रेंडली ला रहे हैं. जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं महाराष्ट्र में वो सब फॉलो किए जा रहे हैं. बट वही बात है कि जिस तरीके से पहले हम लोग जिस एक्साइटमेंट से, जिस एंथुसियाज्म से पापा को लेकर हम लोग ये गणपति का सेलिब्रेशन करते थे, वही उत्साह के साथ लेकर आए हैं. बट विद लॉट ऑफ प्रिकॉशंस एंड मेजर्स, बट एक्साइटमेंट एग्जैक्टली वही सेम है. वो तो हर साल वही एक्साइटमेंट रहेगा क्योंकि बप्पा आए हैं. यस मैं आपका और बप्पा का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि ये 7 दिन ही आपको मिलते हैं उनके साथ में एकदम टाइम स्पेंड करने के लिए. लास्टली, आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने फैंस को? आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी इन एवरी कैरेक्टर दैट आई प्लेड. एंड अभी नया शो कर रही हूँ चीकू की मम्मी दूर की, तो प्लीज जिस तरह से आपने जीनत को, वंदना को, पायल को, श्रद्धा को प्यार दिया है, इसी तरह रंगोली को भी प्यार दीजिए. एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड अनकंडीशनल लव आई वुड से, एंड ऑल द ब्लेसिंग्स दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माई फैंस. एवरी टाइम ऑन इंस्टाग्राम द वीएम, द यू नो पिक्चर्स, द कोलाज दैट दे मेड, एक एक सीन के वो लोग जो यू नो एफर्ट्स डाल के वीएम्स बनाते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट. सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतना प्यार मुझे मिल रहा है. सो या थैंक यू सो वेरी मच. आपको पता है मैं मेरी स्क्रीन में बस बप्पा को और आपको ही देखे जा रही हूँ, मेरी नजर हट ही नहीं रही है. मतलब दोनों वो है ही इतने इतने हैंडसम. सुंदर लग रहे हैं, आई कांट मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, बताए सीरियसली. वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू सो वेरी मच. बप्पा इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. चलो, आई एंड दिस सेशन हियर ओनली, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और मुझे पापा के दर्शन कराने के लिए और आपके सारे फैंस को भी दर्शन कराने के लिए. थैंक यू सो वेरी मच. चलो बाय, टेक थैंक केयर. यू, बाय, टेक केयर. यस बाय. सो दिस वॉज मोनिका खन्ना के गणपति बप्पा के दर्शन एंड दिस इज वेरी सडन लाइफ. एंड अगर आप लोगों को नहीं पता था तो किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, ये एकदम सडनली हुआ है. अगर आपने मिस कर दिया है तो ये वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मेरे बायो में है.
ये वीडियो अपलोड होने में एक दिन लग सकता है, बट यस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ मोनिका खन्नास बप्पा एंड हाउ शी सेलिब्रेटिंग हर गणेश चतुर्थी एंड द गणेश उत्सव. और आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा ऐसे ही क्रिएटिव और अट्रैक्टिव कंटेंट के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग सच अ पेशेंट ऑडियंस. थैंक यू मोनजा दी फॉर दिस लाइव सेशन.